हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हुआ कि मैं कल गई थी मार्केट, सुपरमार्केट, मुझे ग्रॉसरी लेनी थी। तो मुझे वहाँ पे ना ये रेडीमेड इडली डोसा बैटर दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बाय किया जाए और बना के देखा जाए घर पे कि ये एक्चुअली वैसा ही बनता है जैसा हम घर पे बनाते हैं, सब दाल वाल वो सब करके, या फिर इसका कुछ अलग टेस्ट होता है और ये बहुत ईजी टू यूज़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे बाय करूँ, तो मैं इसे ले ली। और ये है इडली डोसा बैटर है, ये रेडीमेड है, जो कि आपको कुछ भी इसमें नहीं लगता, ये सब कुछ पहले से ही रेडीमेड बना हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको नमक भी नहीं मिलाना पड़ेगा। तो ये सब पहले से ही रेडीमेड है, पूरा बना हुआ है और इसमें सारे यूज़ लिखे हुए हैं इसके। तो अगर डोसा बना रहे हो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, बाकी अगर आप इडली बना रहे हो तो ये बैटर कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही रहती है इसकी, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन पहले से ही कर लिया था और मैं इसे निकाल चुकी हूँ। इसकी इससे एक्चुअली मुझे जो स्मेल आ रही थी ना, वो योगर्ट जैसी स्मेल आ रही थी इसकी, मुझे दही की तरह इसकी स्मेल थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दही है और बहुत बहुत खट्टा भी लग रहा था। हो सकता है दही इसलिए मिलाया हो क्योंकि ये जल्दी ख़राब ना हो, आई डोंट नो क्या है वो, आप मुझे बताना। तो नॉर्मली जैसे हम यूज़ करते हैं, पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और इसमें मैंने बैटर डाल दिया है और बस इसे अब मैं इस क्या बोलते हैं इसे, सांचा, इडली डोसा सांचा क्या बोलते हैं, इडली डोसा। कभी कभी ना होता है ना कि हमें चीज़ों के नाम ही याद नहीं आते, आपके साथ भी होता होगा, होता है कि नहीं होता। तो इसकी क्वांटिटी भी अच्छी रहती है। एक्चुअली मैंने पहले डोसा बनाया था बट उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बहुत चिपक रहा था, बाकी मेरे पास नॉन स्टिक तवा है बट फिर भी वो चिपक रहा था। और इतने मैंने बना लिए हैं, 16 इडली बनी थी और उतना बैटर बच भी गया था और ये देखो बहुत अच्छे से बन चुका है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इडली तो मुझे बहुत सही लगी है, आगे देखते हैं ये निकलती है या नहीं निकलती है। इसमें ये भी तो नहीं चिपक जा रही है क्योंकि ये डोसा तो बहुत चिपक रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो ये मैंने निकाल लिया है, तो ये मैंने निकाल लिया और बिल्कुल भी नहीं चिपकी, अच्छे से बन गई है। इसका टेस्ट भी बहुत यम था और मैंने सांभर भी तैयार कर लिया था, तो सांभर के साथ हमने इन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा है, बहुत अच्छा। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया है। होता है कभी उसको स्कूल में उसका मन करता है कि मुझे लेकर जाना है, तो अच्छा है ये, जल्दी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दो दिन पहले से पूरी प्रिपरेशन करनी हो। तो हम इसे जल्दी फटाफट 5-10 मिनट के अंदर बना सकते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी ट्राई करो आप, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगता है, वो मुझे बताना और बनाना ज़रूर। और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे वीडियो और देखने हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट करके, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाले निशान को भी दबा देना, साथ में बेल जो ऑल वाला बटन होता है उसको भी दबा देना, और उससे क्या होगा कि आपको आने वाली वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करेंगे। और इसे ट्राई करके देखो गाइस, बहुत यम लगा मुझे, बहुत मज़ा आया इसे खा के। चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।